काली मिट्टी है चिकनी, तो अभी इसका क्या करना है हमें, मेरी बाल्टी और बाल्टी में इसको डाल के आराम आराम से इसकी मिट्टी को निकाल देना है। आप चाहें तो इसको छोड़ दें इसमें, और बट मैं अभी फैला के बैठी हूँ तो सोचा क्यों ना साथ के साथ लगा ही दूँ। तो आपने क्या करना है, स्लोली स्लोली इसकी ब्लैक मिट्टी को आपने निकाल देना है। इसकी पतली पतली बारीक बारीक जड़ें हैं, और उस जड़ों को बचाते हुए आपने इस प्लांट की सारी मिट्टी को निकाल देना है। तो ये देखिए आराम से निकल रही है, वैसे बहुत चिकनी है, और ऐसी मिट्टी अगर आपके प्लांट्स में आती है नर्सरी से तो आप भी पानी में डाल करके छोड़ दें ओवरनाइट, उसके बाद निकालें, आसान रहेगा, जड़ों को कुछ भी नुकसान भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं एफर्ट डाल रही हूँ मिट्टी निकालने में, और इसकी जड़ें आप देख ही रहे हैं वाइट वाइट, कितनी बारीक जड़ें हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये काम करना, अगर आपने एज इट इज़ इसको लगा दिया तो चांसेस प्लांट के ना बहुत कम हो जाते हैं होने के, क्योंकि ये ब्लैक मिट्टी है ना, ये सरवाइव करने नहीं देती है प्लांट्स को। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट्स बहुत अच्छा चले, गुड कंडीशन में रहे, तो आपने ये ब्लैक मिट्टी ज़रूर निकालनी है। ये देखिए किस तरीके से चिपकी हुई है, ये जल्दी ना जड़ों को पनपने नहीं देती है, और प्लांट्स है ना हमारा बहुत जल्दी बहुत अच्छा कंडीशन में आ नहीं पाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्लांट्स धीरे धीरे ऑफ हो जाता है, और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारा प्लांट्स किस लिए ऑफ हुआ है। तो लीजिए मैंने तकरीबन इसकी मिट्टी निकाल दी है, ये देखिए जड़ रही है, देख रहे हैं। अब मैंने इसने इस पॉट में इस तरीके से लगा देना है, ये देखिए, और हम डालेंगे अब मिट्टी जो हमने खाद से मिला रखी है, केचिए वाली कंपोस्टिंग है मेरे पास में, और मैंने मिट्टी इसमें ऑलरेडी मिला ली है। अब इसमें थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी डालेंगे, और जब भी ऐसा करें तो आप थोड़ी सी खाद का सेवन ज़रूर करें, जो भी खाद आप डालते हैं। आइएगा, फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी डिटेल के साथ, तब तक एंजॉय दिस वीडियो, बाय फ्रेंड्स।